कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है नॉन सीएससी वाले बैकग्राउंड वालों के लिए जिन्होंने अपनी पूरी डिग्री कंप्लीट कर दी होती है, टू बी स्पेसिफिक, जिन्होंने अपनी बीटेक कंप्लीट कर दी होती है और उनको अभी तक कोडिंग का सी भी नहीं आता और अब उनको आईटी सेक्टर में जाकर काम करना पड़ता है और उसके ऊपर उनको ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं जहां पे उनको कोडिंग करनी पड़ती है। वेल, आप इस चीज में बिल्कुल भी अकेले नहीं हो क्योंकि मैंने भी सिमिलर सी सिचुएशंस फेस की हैं अपनी लाइफ में। मैंने भी बीटेक तक बिल्कुल भी कोडिंग नहीं की। हाँ, जितने भी एग्जाम होते थे उसमें मैंने 3-4 कोड ऐसे रट्टा मारकर वहां पर लिख कर आ जाता था जिनके बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती थी। लेकिन बीटेक के बाद मैंने प्रॉपरली इन सब चीजों के बारे में समझा, इनको क्या करना चाहिए या फिर क्या होती हैं ये सब चीजें, उन सब के बारे में पढ़ा। कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बार आप ऐसे ट्यूटोरियल्स वगैरह देखते हो या फिर ऐसे कोचिंग सेंटर में भी चले जाते हो कि आपकी मेंटेलिटी वहां पे मैच नहीं कर पाती। जिस तरह से वो टीच करते हैं आपको वो चीजें समझ में नहीं आती या आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट है, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन कईयों के ट्यूटोरियल्स या फिर कईयों के लेक्चर्स इस तरह से होते हैं कि वो बहुत बेसिक से लगते हैं आपको और आपकी मेंटेलिटी एकदम मैच करने लग पड़ती है, यार ये बंदा सही बोल रहा है और ये जिस तरह से भी हमें समझा रहा है वो हमें एकदम से समझ में आ रहा है। और ऐसा ही होता है, मैंने बहुत बार ऐसे कोचिंग सेंटर या फिर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे थे लेकिन मेरी और उनकी मेंटेलिटी बिल्कुल भी मैच नहीं, मेंटेलिटी इन द सेंस कि जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था मैं उनको वहां से पकड़ नहीं पाया था और मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया था। मुझे लगा था कि कोडिंग बहुत ज्यादा टफ हो जाती है लेकिन उसके बाद मैंने ऐसे ऐसे कई ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे जिनसे मैं बहुत इजीली कनेक्ट कर पाया, जिन्होंने मेरे ही लेवल से स्टार्ट किया और मुझे बहुत इजीली उनकी बातें समझ में आ गई। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सब चीजों के बारे में बताऊंगा कि वो कौन से ट्यूटोरियल्स थे या फिर वो कौन से यूट्यूब चैनल्स थे जिनसे मैंने ये सब चीजों की प्रेपरेशन की। पाइथन से पहले मैंने C++ और जावा में भी ट्राई किया था। वो होता है ना कि जब आप बीटेक कर रहे होते हो तो आपको साल या फिर 2 साल के बाद कुछ 2 महीने की ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ती है किसी भी चीज में, तो मैंने उस टाइम पे C++ और जावा में 2 बार ट्रेनिंग की थी। लेकिन मैंने जिस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था मुझे उससे घंटा कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं कहूंगा कि वो इंस्टीट्यूट बुरा था क्योंकि मेरे साथ वाले जितने भी वहां पे कोडिंग कर रहे थे वो सब बहुत अच्छे कोडर बन गए, मुझसे ही बस वो चीजें लर्न नहीं हो पाई क्योंकि मुझे उनका लेवल बहुत ज्यादा हाई लगता था और नहीं कर पाया उन चीजों को। उसके बाद बीटेक जब खत्म हो गई तो बीटेक के बाद मैंने पाइथन करनी स्टार्ट की। तो मैंने शुरू से ही सोचा हुआ था कि अब तो मैं बिल्कुल भी कोचिंग सेंटर नहीं जाऊंगा क्योंकि पहली बात तो ये कि टाइम भी नहीं होता था जॉब के साथ साथ ये सब चीजें करना, और उसके अलावा कि मैं वैसे भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि कौन ही पैसे दे। पहले भी मैंने 2-3 बार पैसे देकर ऐसे बर्बाद ही कर दिए तो मेरा नहीं मन था। इस बार मैं सोच रहा था कि प्रॉपरली यूट्यूब से स्टडी करूं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं उस चीज के बारे में सोच रहा था। तो सबसे पहले मुझे एक्चुअली किसी दोस्त ने सजेस्ट किया था कि अगर तुम्हें पाइथन लर्न करनी है तो कोड विद हैरी बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, तुम उस पे जाके करो। उसने मुझे वो चैनल सजेस्ट किया तो मैंने सबसे पहले कोड विद हैरी पे गया। वहां पे मैंने 5-6 वीडियोस देखी लेकिन उनका लेवल मुझे उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई लग रहा था क्योंकि उसकी वीडियोस ऐसे 5-6 मिनट्स की होती थी स्टार्टिंग वाली और जो बहुत इजीली खत्म भी हो जाती थी, लेकिन वो बहुत स्पीड से वो चीजें कवर अप करवा देता था जो कि एक आम बंदे को नहीं समझ में आती थी जिसका बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। तो उसके बाद मुझे किसी ऑफिस के दोस्त ने ही सजेस्ट किया था, वो एक चेन्नई का बंदा था, उसने मुझे सजेस्ट किया कि एक साउथ में ही एक सर पढ़ाते हैं ऐसे उनके कोचिंग सेंटर है, उन्होंने यूट्यूब पर भी चैनल खोला हो तो मैं एक बार उनको ट्राई करके देखो। तो उनका नाम है दुर्गा सर। दुर्गा सर के मैंने इनिशियली लेक्चर शुरू कर स्टार्ट किए तो उसमें क्या होता था कि 1-1 घंटे के प्रॉपरली लेक्चर होते थे, बहुत टाइम लग जाता था उन लेक्चर को देखना। कई बार तो ऐसा होता था मैं फास्ट फॉरवर्ड कर करके देखता हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्लो करवा रहे होते थे। लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं कि जितने भी उनके स्लो स्लो लेक्चर थे वो एकदम आपको डीप प्रॉपर स्टार्टिंग से स्टार्ट करवाते हैं कि आपको कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब आपने अपनी लाइफ में कभी कोडिंग की ही नहीं, वो इस लेवल से शुरू करते थे। हाँ, इनिशियली मुझे बहुत बोरिंग लगता था लेकिन जब मैंने 5-6 वीडियोज उनकी कवर अप कर दी तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट खुद भी बन गया। वो जिस तरह से थोड़ा बहुत मजाक करते थे या थोड़ा बहुत जो भी वो करने के लिए बोलते थे कि तुम्हें ये एक्सरसाइज करनी है वो मैं प्रॉपरली डेडिकेट होकर करता था, लेकिन उसके अलावा उनके लेक्चर बहुत ज्यादा लंबे होते थे, कई बार बोरियत आ जाती थी। लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं कि उनके अगर आप पहले 20 लेक्चर आसानी से देख लो तो आपको प्रॉपर ओवरव्यू मिल जाएगा कि कोडिंग किस तरह से की जाती है और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं कोडिंग के मामले में। तो मैंने ऐसे फिर दुर्गा सर के चैनल से स्टार्ट किया, उनकी मैंने पहले 20 या 21 वीडियोस देख ली,
उनके बाद भी मैं देखना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसके बाद कोई कोई वीडियो ही YouTube पर डाली हुई थी। मैंने उसके बाद पता किया तो मुझे पता चला कि बाकी जितनी भी वीडियोस हैं उनमें से कुछ कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो कि पेड हैं, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और उसके बाद वो आपको वो सारी वीडियोस दे देंगे। मैंने एक बार कनेक्ट भी किया था दुर्गा सर के इंस्टीट्यूट के साथ भी, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि यार मतलब पे करना पड़ेगा आपको। तो मैं उस टाइम पे नहीं चाहता था कि मैं ऐसे फजूल में पैसे खर्च कर दूं, बाद में कुछ फायदा भी ना हो, तो क्या ही करना ऐसे पे करके। मैं उस टाइम पे सिर्फ फ्री की चीजें ढूंढ रहा था कि मुझे फ्री में सब कुछ मिल जाए। तो मैंने 20 और 21 लेक्चर देखे और उसके बाद मैंने ट्राई भी नहीं किया। उसके बाद ऐसे गैप गैप आने लग पड़ा उनके यूट्यूब की वीडियोस में। देन उसके बाद मैंने फिर से कोड विद हैरी पे मूव किया, और उसके बाद जो मुझे जो पहली 5-6 वीडियो समझ में नहीं आ रही थी कोड विद हैरी की, उसके बाद वो चीज़ें मुझे प्रॉपरली समझ में आने लग पड़ी। और मैं उसके बाद कोड विद हैरी को जब देखना शुरू किया तो कब 50-60 वीडियोस कवर अप हो गई मुझे खुद भी नहीं पता चला। तो मैं आपको भी यही चीज़ कहूँगा कि अगर आप भी मेरे ही जैसे हो जिनको कोडिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है लेकिन वो कोडिंग में एक्सेल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले दुर्गा सर के साथ स्टार्ट कीजिए। दुर्गा सर के पहले 20 लेक्चर देख लीजिए, और अगर आपको बजट का कोई कंसर्न नहीं है कि आप इजीली पैसे खर्च कर सकते हो, देन आप उनका पेड ट्यूटोरियल्स भी खरीद लीजिए ताकि जितनी भी उनकी बाकी वीडियोस हैं वो भी आपके लिए फायदेमंद हो सके। क्योंकि मैंने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो मुझे नहीं पता कि उनमें कैसा कंटेंट है, लेकिन पहली 20 वीडियोस तो बहुत ही ज्यादा कमाल की बनाई गई है। अगर आप उनको ही देख लोगे तो आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप शिफ्ट कर जाना कोड विद हैरी पे। कोड विद हैरी ने जब उस टाइम पे वीडियोस मैं देख रहा था तो उनकी वहां पे मैक्सिमम सिर्फ 60-70 ही वीडियोस थी, और वहां पे उन्होंने बहुत सारी चीजें कवरअप करवा दी थी। लेकिन अब तो मैं उनकी जब कल परसों प्लेलिस्ट देखी थी तो वो 100 से ज्यादा भी वीडियोस चली गई हैं। उसके बाद मैंने उनकी वीडियोस तब नहीं देखी, तो आप उनको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं आपको यही दोनों चीजें सजेस्ट करूंगा। लेकिन सिर्फ पाइथन ही सीख लेने के साथ इतना ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि पाइथन इज जस्ट अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अगर आप जावा सीख ले तो उससे भी इतना ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि वो भी एक सिर्फ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही होती है। उसके बाद आपको जॉब लेने के लिए कोई ना कोई फ्रेमवर्क की जरूरत होती ही है। अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो फ्लास्क या फिर जेंगो को लर्न कीजिए, या फिर अगर आपको ऑटोमेशन या किसी भी और फील्ड में जाना तो उसके रिलेटेड आपको वैसे वैसे फ्रेमवर्क लर्न करने पड़ेंगे। तो मुझे था उस टाइम पे कि वेब डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पैदा हो रहा था मेरा, तो मैं सोच रहा था कि इसी में ही कुछ एक्सेल करूं। तो उस टाइम पे भी कोड विद हैरी के ही लेक्चर जेंगो में पड़े हुए थे, तो मैंने वहीं से जेंगो के सारे लेक्चर देखना शुरू किए, और वहां पे मैंने 30-40 वीडियो में ही समझ लिया कि इनके लेक्चर बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने वहीं से ही देख कर 2-3 प्रोजेक्ट्स वैसे ही सिमिलर तरीके से खुद भी बना लिए, और जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैंने वो सब प्रोजेक्ट्स वगैरह शोकेस किए कि मैंने ये सब प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। तो उसके बाद उन सब चीज़ों का भी फायदा हो जाता है। तो आई होप कि जो भी नॉन सीएससी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए ये थोड़ा बहुत रिलेटेबल चीज़ रहेगी कि उनको कोडिंग वगैरह कहाँ से कर लेनी चाहिए, अगर आपका लेवल एकदम जीरो है या फिर आप भी मेरे जैसे जिनको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती लेकिन वो एक्सेल करना चाहते हैं। तो आप इन दोनों चैनल को ज़रा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपको बताऊं तो मैंने महज सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर ही पाइथन बहुत अच्छे से सीख ली थी, लेकिन उसके बाद मैं प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करता ही रहा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इनको बाकियों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट रह गए हैं उसको कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करिएगा, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं उन सब कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। इसके अलावा आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।